उर्स मुबारक तो शुरू हो गया, ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी रहमतुल्लाह साहब का उर्स मुबारक जो है हर साल की तरह यहाँ अकीदत के साथ मनाया जाता है, उसका इनेकाद होता है, और हर साल की तरह हज़ब मामूल हम यहाँ पे आके नज़र देते हैं कि इंतजामात बराबर हैं, ठीक हैं, और जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चरल कुछ इशूज़ हैं उनको हमने कुछ इशूज़ को रिजॉल्व भी किया और कुछ इशूज़ अभी रिजॉल्व करने बाकी भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ के जो मुंतजमीन हैं उनसे भी हमने मिलकर ये बात की है कि वो इशूज़ रिजॉल्व जल्द अज जल्द कैसे हों। ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स मुबारक होता है वो 19 जुलाई से शुरू होकर 3 दिन यहाँ पे होता है। आज इसी के सिलसिले में हम यहाँ पे जो सैनिटेशन के हवाले से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो बेहतर सहूलियात शहरियों के लिए मैसर रखती है उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आस्थान में हाजिरी दी है। तो अल्लाह से दुआ गो है कि हर एक की परेशानी को दूर करें, हमने दुआएं भी की यहाँ पे और ख़ासकर यहाँ के जो मुंतजमीन हैं उनसे भी गुजारिश की कि ख़ासकर कश्मीर के आवाम के लिए जो परेशानी में मुबतला है उनके लिए ख़ास दुआएं करें इस उर्स मुबारक में। ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर हम यहाँ आए हैं यहाँ के अरेंजमेंट्स देखने के लिए। अगर आपको याद होगा इनकी किताब अगर आपने पढ़ी होगी तो ये हिफ्ज़े कुरान थे बचपन से ही, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए खासकर कश्मीर चिनाब और पीर पंजाब दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ, अपने अकीदतमंद आते हैं यहाँ दुआ करने आते हैं। तो उसी सिलसिले हम दो चीज़ों के लिए आए, एक तो अल्लाह ताला से दुआ करने आए कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, हम सब के लिए एक अच्छा पैगाम आए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।